सभी को मेरा नमस्कार। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से अति उत्तम और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए भी संतान सप्तमी के व्रत का बहुत महत्व है। इसे मुक्ता भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान शिव और माता गौरी की आराधना की जाती है और विधि विधान से पूजा करने के पश्चात संतान सप्तमी व्रत कथा को सुना जाता है। आइए अब शुरू करते हैं संतान सप्तमी के व्रत की पूजा विधि। संतान सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नान कर भगवान शिव और माँ पार्वती के फोटो अथवा मूर्ति के समक्ष व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प के लिए दाहिनी हथेली में जल लेकर भगवान शिव और माँ गौरी का मन ही मन ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ, मुझे यह व्रत करने की शक्ति दीजिए और मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। उसके बाद हथेली में लिए हुए जल को भगवान शिव और माँ गौरी की फोटो अथवा मूर्ति के सामने ही अर्पण कर दें। संतान सप्तमी के दिन निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। संतान सप्तमी के दिन खीर पूरी व गुड़ के साथ पुए या फिर साथ मीठी पूरी का भोग अति उत्तम माना गया है। इस व्रत की पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाएं, उस पर चौकी रखें और भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद कलश की स्थापना करें, उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। कलश की स्थापना के बाद आरती की थाली तैयार कर लें, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रखें। भगवान के सम्मुख दीपक जलाएं। अब सात मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर पूजा स्थान पर रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा के समय सूत का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में अवश्य पहन लें। यह व्रत माता और पिता दोनों के द्वारा किया जा सकता है। पूजन के बाद भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके संतान सप्तमी की कथा को पढ़ें या सुनें और उसके बाद भगवान को भोग लगाकर अपने व्रत को खोल लें। आइए अब शुरू करते हैं संतान सप्तमी की कथा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि एक बार मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे, तब मेरी माँ देवकी और पिता वसुदेव ने भक्ति भावना से उनकी सेवा की। ऋषि लोमेश ने मेरे माता पिता के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का आदेश दिया और कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत को संपन्न कर सकूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजा विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। राजा नहुष अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णु दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा ब्राह्मणी रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। तब उनमें से एक स्त्री ने बताया कि हमने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करते रहेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। इस व्रत की बात को सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और भगवान शिव के नाम का डोरा बांध लिया। परंतु घर पहुंचने पर वह संकल्प को भूल गई और इसका परिणाम यह हुआ कि मृत्यु के पश्चात रानी बंदरिया तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि को प्राप्त हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर उन्हें मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा देवी का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में अपार प्रेम हो गया और दोनों एक दूसरे की मित्र बन गई। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही।
प्रौढ़ावस्था में रानी के यहाँ एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा देवी ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा देवी उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो गया। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा देवी के व्रत के प्रभाव से उसके सभी पुत्र जीवित रहे, उनका बाल भी बांका ना हुआ। यह देखकर रानी को और भी अधिक क्रोध आया। रानी ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा देवी के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना नदी के किनारे ले जाकर जल में धक्का दे दिया जाए, परंतु भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। यह सब देखकर रानी तिलमिला उठी। तब रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण के बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, परंतु जल्लादों द्वारा प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा देवी को बुलाकर सारी बातें बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि मुझे इसका कारण बताओ, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं मर पाए, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। भूषणा देवी बोली, हे रानी, आपको पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है। रानी ने आश्चर्य पूर्वक कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सहेली थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों ही इस व्रत को भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए अब फिर से मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए हैं। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई, इसलिए मैंने इस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से आप चाह कर भी मेरे पुत्रों को ना मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ता भरण संतान सप्तमी का व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। हे शिव भगवान तथा माता पार्वती, जिस प्रकार आपने रानी और ब्राह्मणी की झोली को खुशियों से भर दिया, उसी प्रकार सभी की झोलियां खुशियों से भरना प्रभु। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। ओम उमा सहित शिवाय नमः। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला।